हाँ जी बेटा जी, गुड आफ्टरनून बेटे। कल अपन ने सेल मेम्ब्रेन दी स्ट्रक्चर है जेडी वो डिस्कस करी सी। यस, हुन बेटे सेल मेम्ब्रेन दी स्ट्रक्चर इफ यू रिमेंबर तो अपन ने सिंगर एंड निकोलसन दा फ्लूइड मोजेक मॉडल किया सीगा, जिदे अंदर अपन ने किया सीगा कि जेडी सेल मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, जो कि एम्फीपैथिक इन नेचर है, जिदे अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट ने, कोलेस्ट्रॉल दे मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, एंड ओदी सरफेस दे ऊपर कुछ ग्लाइको प्रोटीन्स ने जेडे ओ भी प्रेजेंट है, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड्स भी प्रेजेंट है। मतलब जेडी मेम्ब्रेन है वो बेसिकली सारे सब्सटेंसेस नू ज्यादा इदे अंदर फॉस्फोलिपिड्स दा कंटेंट है ते प्रोटीन्स दा कंटेंट है, लेकिन बाकी सब्सटेंसेस भी इदे अंदर माइनर अमाउंट्स दे अंदर प्रेजेंट ने, ठीक है। कल अपने मेम्ब्रेन दा स्ट्रक्चर डिस्कस किया सी, होप सो सारे नू क्लियर हो गया होना है, ठीक है। नोट्स चो पढ़ लो बेटे, जो भी थोड़े को हेल्पिंग बुक्स ने उन्हें बुक्स चो देख लो, ठीक है, दोनों चीजा चो देखने, तुसी अपने भी नोट्स प्रिपेयर करने। इस तो बाद मैं कल क्या सीगा कि मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है जेडी वो कंप्लीट नहीं हुई। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को की है बेटे कि जेडी मेम्ब्रेन है ओदा फंक्शन की है, दैट इज सेमी परमीएबल इन नेचर। सेमी परमीएबल इन नेचर का मतलब की है कि कुछ सब्सटेंसेस नू ही अलाउ करती है, सारे सब्सटेंसेस नू ता ये अलाउ ही नहीं करती है, कि ए है सेमी परमीएबिलिटी दी एडवांटेज, ठीक है। तो मेम्ब्रेन जदों उन्हें लगता है कि ये सब्सटेंसेस नू मैं पास करना है, इन्हां नू मैं नहीं पास करना, ओदे अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन है जेडी वो कई फंक्शंस प्ले करती है। मतलब वो किवें ट्रांसपोर्ट करना है, केड़े मैथड नाल ट्रांसपोर्टेशन करनी है, वो चीजा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है, ठीक है, वो आप हुणी डिस्कस करते हैं। अज अपने दो आर्टिकल्स ने बच्चे, वन इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड सेकंड इज द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फर्स्ट आप करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि जेडी सेल मेम्ब्रेन है हाउ दैट इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम एक्स्ट्रा फंक्शंस लाइक ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल, ठीक है, या सेल एक सेल चो दूसरे सेल दे अंदर मटेरियल्स दा ट्रांसपोर्ट करना है, तो मेम्ब्रेन अपने आप नू कुछ तरीके दे नाल मॉडिफाई कर लेंदी है। तो फर्स्ट अपने कोल मॉडिफिकेशन दे अंदर फर्स्ट है कि जेडी मेम्ब्रेन है ना वो कुछ फोल्डिंग्स बना लेंदी है, ठीक है। आप पिछे पढ़ के आए हैं जिवें कि मोनरा दे अंदर आप पढ़ के आए सी मीजोजोम्स, वो भी तो इनफोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ही है ना। तो सिमिलरली कुछ सेल्स दे जो आप यूकेरियोटिक सेल बनावांगे तो आप मेम्ब्रेन दे ऊपर कुछ एवें दी माइक्रोविलाई दिखा देने, जिवें आप इंटेस्टीन दे अंदर कहने ना कि माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। वाई दैट इज प्रेजेंट? टू इनक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। माइक्रो विल्लाई, माइक्रो मतलब छोटी छोटी, विल्लाई मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो सेल दे ऊपर कुछ फोल्डिंग्स हुंदियां ने जो कि सेल मेम्ब्रेन दी की है मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन दा मतलब की है कि जेड़ा काम थोड़ा पर्टिकुलरली परफॉर्म करना है उस काम नू ज्यादा चंगी तरह परफॉर्म करन लई मेम्ब्रेन अपने आप दी स्ट्रक्चर नू चेंज कर लेंदी अकॉर्डिंग टू द वर्क, ठीक है। कि मेरा वर्क सपोज एब्जॉर्प्शन है तो मैं अगर मेरा देखो आ एक सेल दी मेम्ब्रेन है, ठीक है, इथों दी मान लो मैं अपनी फिंगर से ही दसदी हां, लेट से कि आ मेरा आ एक सेल है, ठीक है, इस सेल ने अपना कोई चीज एब्जॉर्ब करनी है। हुन ये कित्थे कित्थे एब्जॉर्ब कर सकदा, इस साइड ते ऊपर नीचे। अगर मैं इनू खोलदा एवें बनावा इथे भी एबजॉर्ब करूगा ना, एदा फंक्शन की हो गया, जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा सीगा ओदे तो डबल हो गया, तो एदा मतलब मेम्ब्रेन दे ऊपर की आ गई मॉडिफिकेशन आ गई। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है कि मेम्ब्रेन अपने आप नू फोल्ड कर लेंदी है, वो फोल्ड्स ने जेड़े वो मीजोजोम्स दी फॉर्म दे अंदर या वो फोल्ड्स आउट फोल्ड, आउट फोल्ड मतलब माइक्रोविलाई, और डिपेंड करता है कि वो सेल केड़ा है, उन्हें अंदर नू फोल्ड करना है कि उन्हें ऊपर नू फोल्ड करना है, ओदे फंक्शन ते डिपेंड करता है। तो दीज बोथ आर द फोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन दिया की ने बेटे फोल्डिंग्स ने, ठीक है। इस तो बाद अपने कोल की है बेटे
कि मेम्ब्रेन है जेडी ओदे ऊपर सीलिया या फ्लैजेला जो कि सेल मेम्ब्रेन दिया ही कंटिन्यूड आउटग्रोथ हुंदिया ने तो अगेन वो डिपेंड करता है कि सेल का फंक्शन की है ओदे अकॉर्डिंग सेल अपनी मेम्ब्रेन दे ऊपर जेडे ओदे ऊपर सीलिया या फ्लैजेला जो कि आप पहले भी प्रोकैरियोट च भी पढ़ चुके हैं हजे आप डिटेल च भी पढ़ांगे कि सीलिया फ्लैजेला की है ठीक है जो कि सेल दे मोशन दे अंदर हेल्प कर रहे ने तो ये भी तो सेल मेम्ब्रेन दी ही की है मॉडिफिकेशन हुंदी है ता एक वर्ड समझ लो मॉडिफिकेशन वर्ड का मतलब की है कि मेम्ब्रेन ने जो काम करना है मॉडिफिकेशन किसे च भी हो सकती है मॉडिफिकेशन वर्ड का मतलब की है कि सेल मेम्ब्रेन ने जो फंक्शन करना है वो अपने फंक्शन नु एनहेंस करन लई अपनी स्ट्रक्चर दे चारों तरफ कोई चेंजेस ले आ रही है या तो वो चेंजेस बाहर वाल है या वो चेंजेस अंदर वाल है ओनू आपा कहने आ मॉडिफिकेशन ठीक है बेटा जी ताई अपने कोल हो गया मॉडिफिकेशन उस तो बाद बेटे देखो कुछ इंटरसेलुलर जंक्शंस ए भी मॉडिफिकेशन है फर्स्ट मॉडिफिकेशन की है फोल्डिंग फोल्डिंग अगर अंदर है तो ओनू आपा मेसोसोम्स कह देने आ अगर फोल्डिंग आउटसाइड पे है तो मैं ओनू कहता कि सब माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर्स ने जड़ियां ओ प्रेजेंट ने इस तो इलावा मेम्ब्रेन दी मॉडिफिकेशन च होर की आ जांदा है बेटे वी हैव इज सम पोर्स एंड सम एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स आर प्रेजेंट पोर्स की हुंदे ने कि पोर है जेड़ा मान लो मेम्ब्रेन दे ऊपर कुछ होल लाइक स्ट्रक्चर्स दा प्रेजेंट होना कि वो ट्रांसपोर्टेशन दे अंदर हेल्प कर रहा है ए पोर्स आपा पढ़ांगे न्यूक्लियस दे केस दे अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स ने ना जेड़ियां जदों आपा पर्टिकुलर पार्ट पढ़दे आ अगर मैं थोनू उन्हें दसूंगी भी तां थोनू क्लियर नहीं होगा बेटे जदों आपा न्यूक्लियस पढ़ांगे तां आपा न्यूक्लियर पोर्स पढ़ांगे ठीक है तो सिमिलरली सेल मेम्ब्रेन दे ऊपर भी ओवें दी पोर की है एक होल लाइक स्ट्रक्चर है ओ होल लाइक स्ट्रक्चर की कर रही है कि लो जी मैं मटेरियल दे ट्रांसपोर्टेशन दे अंदर हेल्प कर रही है तो दैट इज द पोर्स प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ठीक है तो नेक्स्ट है बेटे नेक्स्ट अपने कुल है सम इंटरसेलुलर जंक्शंस ठीक है ए बस समझन वाला टॉपिक ही है बेटे इनू चंगी तरह समझ लियो इहदे ते क्वेश्चन है जेड़ा ओ इत्थे नहीं आंदा इस चैप्टर दे अंदर ए जिवें जिवें आपां बाकी चैप्टर्स दे अंदर जिवें प्लांट्स फिजियोलॉजी करांगे ह्यूमन फिजियोलॉजी करांगे ओत्थे ओत्थे आपां इन्हां वर्ड्स नू यूज करांगे ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਮੈਂਬ੍ਰੇਨ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਊਟਰ ਫੋਲਡ ਹੋਏ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇੰਟਰ ਸੈਲੂਲਰ जंक्शंस हुन ध्यान नाल वर्ड ही समझना है इंटरसेलुलर जंक्शंस दा मतलब की इंटरसेलुलर जंक्शंस वर्ड दा मतलब है कि मान लो आ दो सेल्स ने ठीक है आ एक सेल है दिस इज सेल वन दिस इज सेल टू वन सेल सेल टू ठीक है ए सेल दे अंदर आ एक स्पेस हुंदी है ठीक है जिन्हों आपा कह दिंदे आ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस सेल दे बाहर वाली स्पेस ठीक है ओदे अंदर एक फ्लूइड भी हुंदे दैट इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आ होगी मेरी एक्स्ट्रा मतलब सेल दे बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इस स्पेस दे अंदर आज ही फ्लूइड है दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਡੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਸੈੱਲਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਹਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੁਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਇਹਦਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੁਲਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੈਟੀਕੁਲਮ ਆਪਸ ਚ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੁਲਮ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੁਲਮ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ 9th ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੇ ਨੈਟਵਰਕ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੁਲਮ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ
मान लो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के नाल कंटीन्यूशन चा जान, लो भी जेड़ा एक्सचेंज करना है आपा इहदे थ्रू करदे रहांगे, तू मैनू दिंदा रह मैं तैनू दिंदा रहूंगा। इस तरह के जेड़े कनैक्शनज बनते ने उन्हां कनैक्शनज नू कहंदे ने बेटे इंटरसेलुलर जंक्शनज। ठीक है जी, इंटरसेलुलर जंक्शनज कहंदे ने। इह तां मैं इक एग्जाम्पल दित्ती है, इह कई तरह के हुंदे है। देखो जरूरी तां नहीं हर एक दा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कनैक्ट करूगा, कई बार जेड़े ने ओ सेल दी, मान लो आ एक सेल है, आ एदी मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल वन, एदी मेम्ब्रेन है, एदी फोल्डिंग है, सेल वन एदा साइटोप्लाज्म है, दिस इज सेल टू, एदा जेड़ा सेल टू है ना ओ एदी मेम्ब्रेन दे अंदर अंदर ही अपने आप नू फोल्ड करा लेंदा, दिस विल बी सेल टू, एदा साइटोप्लाज्म है। लो जी आराम नाल एक्सचेंज करी जाएंगे, इधर इधर मटीरियल आराम नाल दे दूंगा, ए इधर मटीरियल आराम नाल दे दूंगा, तो जो मतलब कुछ है मैं फिंगर्स दी तरह। ठीक है, हुन मैं थोनू ज्यादा आपा देखो हुन इन्हां डिटेल च डिस्कस करा कुछ एवें। ठीक है, तो मैं उन्हां जंक्शंस दे नाम दसूंगी वन बाय वन, ते आपा उन्हां नू स्टडी करांगे कि किवें दे जंक्शंस सेल दे नाल हो सकदे है थ्रू द सेल मैमब्रेन। आ एक सेल दी मैमब्रेन है, इन्हें एवें दी स्ट्रक्चर बनाई बार, आ मेरे दूसरे सेल दी मैमब्रेन है, इन्हें एवें स्ट्रक्चर बनाई, ते ए दोनों आपस च इस तरीके दे नाल फिक्स इन हो गए कि लो जी आपां इजीली अपने मटीरियल्स नू एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने को इंटरसेलुलर जंक्शंस की होंगे ने बेटे, जो सेल टू सेल एक सेल का दूसरे सेल दे नाल गैप हुंदा है, उस गैप दे थ्रू जो मेम्ब्रेन्स ने जेड़िया ओ इंटरैक्ट कर दिया ने, ता मटीरियल्स ने जेड़े ओ सेल एक सेल चो दूसरे सेल दे अंदर किवें ट्रांसपोर्ट होने ने, ता उन्हां दे अंदर जिवें दा ओ सेल टाइप है उवें दा ही उहदे अंदर जंक्शन हो सकदा है। ठीक है, जंक्शन मतलब एक सेल दा दूसरे सेल दे नाल कनेक्शन होना कि मैं तेनूं अपना मटीरियल दे सकदा हां, मैं तेरे तो अपना तेरा मटीरियल ले सकदा, तां एक ब्रिज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपां कह सकदे हां, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर जंक्शन। दीज आपने कोल बेसिकली हर एडजेसेंट सेल दे अंदर एक गैप हुंदा है, उस गैप नूं आपां कह दिंदे हां इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, या जिन्हों मैं एक्सट्रा सेलुलर स्पेस कहता सीगा, उहदे अंदर फ्लूइड प्रेजेंट हुंदा है, तां उस फ्लूइड दे अंदर दोनों सेल्स दीआं मेम्ब्रेन्स आपस च कॉन्टैक्ट दे अंदर आंदियां ने, तां उस कॉन्टैक्ट नूं आपां कहिंदे हां इंटरसेलुलर जंक्शन। दो वर्ड याद कर लो बेटे इंग्लिश दे, एक तो होंगे इंट्रा, ये आप बायो च बहुत यूज करांगे इंट्रा। ठीक है, एक वर्ड होंगे इंटर, तो कंफ्यूज नहीं होना, इंट्रा होंगे जो सेल दे अंदर ही, मान लो आ एक सेल है इहदे अंदर ही कुछ हो रहा है, मान लो इहदा माइटोकॉन्ड्रिया नू कुछ दे रहा है, इहदे साइटोप्लाज्म तो ले रहा है, तो आप इहनू कहिंदे इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। इंट्रा सेलुलर मतलब विद इन द सेल, क्लियर। हुण इंटर की है, आ सेल वन है, आ सेल टू है, ए इनू दे रहे है, इधे तो ले रहे है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर, बिटवीन द सेल्स। ता ए चीज याद रखनी है, दे नाम चो ही अपना मतलब निकल गया, इंटरसेलुलर जंक्शंस। दो डिफरेंट सेल्स ने उना सेल्स दे विचकार एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज इंटरसेलुलर जंक्शन। उथे उन्हां दे कोल एक्सचेंज करन लई कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड एज द इंटरसेलुलर जंक्शन। ठीक है, द फर्स्ट जंक्शन है बेटे, फर्स्ट जंक्शन है डेस्मोसोम, फर्स्ट जंक्शन वी हैव इज द डेस्मोसोम। मान लो आ एक सेल दी मेम्ब्रेन है, डेस्मोसोम की में आ दूसरे सेल दी मेम्ब्रेन है, इत्थे कुछ एवें दे प्रोटीन दियां शीट्स बन जांदियां ने फॉर द एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल, और जो भी उहदा फंक्शन है कुछ इस तरीके दे नाल, इत्थे इहदे कोल इहनूं प्रोटेक्शन देण लई इस तरह दियां फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स भी हो सकदियां ने, इहनां फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स नूं कहिंदे टोनोफिब्रिल्स। ठीक है, इह है सेल वन, इह है सेल टू, ए सेल वन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ए सेल टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ए ना दोना सेल्स दे विचकार एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस प्रेजेंट सी, ओदे अंदर दोनों सेल्स दी मेम्ब्रेन ने अपने अपने प्रोटीन्स दे नाल कुछ इस तरह दिया स्ट्रक्चर्स ने जेड़िया ओ क्रिएट कर लिया,
that this type of the connection between the two cells is called as the desmosome. Clear? Hun apan nu eta pata chal gaya ki intercellular junctions hunde ki nahi. Hun apan nu desmosome pata chal gaya. Desmosome ki hai bete kuch circular patches hunde ne between the two cells. Oh, apan ye keh sakde ki kuch proteins de hi patches hunde ne jo ki ik cell nu dusre cell de naal एक्सचेंज करन च हेल्प करता है या जो भी उनका फंक्शन है वो परफॉर्म करन च हेल्प करता है तो इन्हां प्रोटीन्स नू सपोर्ट कौन दिंदा है ये फाइबर्स ने जिहड़ियां पिछे सेल दे साइटोप्लाज्म दे अंदर कुछ फाइबर्स ने ये फाइबर्स इस जंक्शन नू सपोर्ट दे रहीआं ने दैट इज दिस टाइप ऑफ द जंक्शन जो कि कुछ प्रोटीन नुमा स्ट्रक्चर्स दा बनिया होया होए ओनू आपां कहिंदे आ डेस्मोसोम कह दिंदे आ ठीक है नेक्स्ट है बेटे अपने को इंटरसेलुलर ब्रिजेस फर्स्ट है डेस्मोसोम सेकंड है इंटरसेलुलर ब्रिजेस इंटरसेलुलर ब्रिज वर्ड तो ही क्लियर है आ एक सेल है बेटे आ दूसरा सेल है दोनों सेल्स दे विचकार एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है जेडी ओ प्रेजेंट है तो ओनु आपा कहवांगे इंटरसेलुलर ब्रिजेस ठीक है इस स्ट्रक्चर्स मैक्सिमम ओदो बनदियां ने जदो सेल्स दे मान लो साइटोप्लाज्म दे अंदर कुछ थोड़ी जी दूरी है पर वो एक्सचेंज करना चाहते ने उनका कोई फंक्शन है आपस दे अंदर तो दैट इज व्हाई हर सेल दे जेड़ा है फंक्शन ते डिपेंड होगा कि वो डेस्मोसोम बना रहा है कि वो अपने को इंटरसेलुलर जंक्शन या इंटरसेलुलर ब्रिजेस है जेड़ा वो बना रहे इंटरसेलुलर ब्रिजेस की हुंदे ने बेटे दीज आर माइन्यूट प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि एक सेल नु दूसरे सेल दे नाल इलेक्ट्रिकल करंट या जो भी मटेरियल्स पास ऑन करने हैं उन मटेरियल्स नु पास ऑन करन च हेल्प करता है ठीक है द फर्स्ट सीगा डेस्मोसोम सेकंड की है इंटरसेलुलर ब्रिजेस थर्ड अपने कोल की है बेटे टाइट जंक्शंस की कहंदे हैं आलो एक सेल दी मेम्ब्रेन आ इथे इस जगह ते मेम्ब्रेन ने कुछ एवेंदार डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर आ दूसरा ठीक है मेम्ब्रेन दे अंदर प्रेजेंट होगा आ दूसरा सेल है एदी मेम्ब्रेन ने भी एवें कुछ एक टाइट टाइप ऑफ द जंक्शंस बना लंदे इस तरीके दे नाल ठीक है टाइट है ठीक है दैट इज इस तरीके दे नाल दिस इज सेल 1 This is cell 2. ठीक है tight junction है ना दे नाम तो ही clear है ये वो regions ने बेटे जिथे एक तरह दे sealing strands बन जाते sealing strands का मतलब की है पूरी तरह tight attachment दे अंदर असी present हाँ ठीक है for what for the performance of the function ठीक है ताकि जेड़े movement of the materials ने ओना नू असी चंगी तरह check कर सकिए तो that is the टाइट जंक्शंस ठीक है और डिपेंड करते केड़े सेल दे अंदर केड़े होंगे उस तो बाद है बेटे वी हैव इज द गैप जंक्शन लाइक समवट लाइक अपा इंटरसेलुलर ब्रिजेस दी तरह ही कह देने हैं बट इथे की होंदे एक सेल दे दूसरे सेल दे अंदर दूरी ज्यादा होन करके ए दूरी ज्यादा है ए सेल्स आपस च इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो एक उस तरीके दा ही ब्रिज बना लेंदे हैं ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੈਪ ਜੰਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੈਪ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਥੀਸ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਟੂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਾ ਪਾਈਪ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ नेक्स्ट है बेटे प्लाज्मोडेस्मेटा प्लाज्मोडेस्मेटा होंगे ने बेटे जिहड़ा मैं पहले दस्या सीगा कि एक सेल दा साइटोप्लाज्म दे अंदर आ एक सेल है आ दूसरा सेल है इहदे अंदर आ न्यूक्लियस है न्यूक्लियस दे नाल आपां क्या सीगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हजे आपां नेक्स्ट क्लासेस च करांगे नहीं डरना नहीं हैगा ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ए कंटीन्यूएशन च चला गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधरों दी इधरले सेल दा न्यूक्लियस है आ इहदा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ठीक है इन्हां दोनों ने आपस च ही कनेक्शंस ने जेड़े ओ एंडोप्लाज्म टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्शंस ने जेड़े ओ बिल्ड अप हो जान तो ओनू आपां कहंदे आ डेस्मोसोम्स क्लियर है सॉरी प्लाज्मोडेस्मेटा की हो गए बेटे वी हैव इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजेसेंट सेल जदो वो आपस च कनेक्शंस बिल्ड कर लैन तो उन्हां नूं आपां कहिंदे आ प्लाज्मोडेस्मेटा क्लियर
ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਔਖੇ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਕੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈੱਲ ਟੂ ਸੈੱਲ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪ ਲਗਾ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਟੂ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੁਲਮ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਟੂ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੁਲਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈੱਲ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਨੇਬਰਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਫੋਰ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਫੋਰ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਦਾ ਥੋਟਸ ਵਟਸ ਐਵਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੀਜ ਆਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਦੀਜ ਆਰ ਦਾ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਕਿ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸੈੱਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੋ ਸੈੱਲਸ ਆਪਸ ਚ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਆਪਣਾ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫੋਰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਿਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਮੀ ਮਤਲਬ ਹਾਫ, ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਅਲਾਉਸ ਦਾ ਆਇਰਨਸ ਟੂ ਕਮ ਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਅਲਾਉਸ ਆਲ ਦਾ ਆਇਰਨਸ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਐਂਡ ਗੋ ਆਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਬਿਲਿਟੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਪਰਮੀਬਿਲਿਟੀ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਜਾਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਐਂਡ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਆਰ ਕੈਪਟ ਆਊਟ ਬਾਈ ਦ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਦਿਸ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਦ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਆਫ ਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਹਾਰਮਫੁਲ ਐਂਡ ਨੋਨ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਇਜ ਕਾਲਡ ਐਸ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਬਿਲਿਟੀ। ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਊਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਊਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼, ਅਗਰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਦ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੀਨਸ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ 7th, 8th, 9th ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਪੈਸਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਐਕਟਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਏ ਟੀ ਪੀ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣ,
ठीक है, एक सेल कहता है कि मैं अपने अंदर आयंस लेने हैं, मेम्ब्रेन दे बाहर कुछ गार्ड्स बैठे ने, वो कहते पैसे दे तेन अंदर जान देवांगे। बॉडी दे लई पैसे की है, एटीपी है, तब ओ ट्रांसपोर्टेशन जिहड़ा एटीपी दे एक्सपेंस ते होए, सेल कहता है मैनू आयंस जरूरी है, मैं लेने ही लेने हैं, तब मेम्ब्रेन दे बाहर एक गार्ड बैठा है, ठीक है, वो आयंस अंदर जाना चाहते हैं, तो वो आयंस तो जो टैक्स है वो लिया जाता है, ठीक है, एक वी कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे। तो वो टैक्स की है, वो टैक्स एटीपी है, जदों किसी एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल दे अंदर एटीपी दा एक्सपेंस होए, ठीक है, ओके, तो उन्हों आप कहने हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की है, कोई एटीपी नहीं खर्चे गए, नो एक्सपेंस ऑफ एटीपी, सिंपली मॉलिक्यूल्स ने जेड़े वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ओहो एक तरह की पावर है वी कैन से, जो कि किसी जगह ते जेड़े मॉलिक्यूल हाई ने वो अपने आप दूसरी साइड ते मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जनरलाइज्ड एग्जाम्पल दवा, मेरे को इत्थे बहुत ज्यादा पानी पे है, ए पानी दा कनेक्शन इस या एक बहुत बड़ी नहर है, इत्थे एक छोटा जा खड्डा सीगा, इस नहर दे नाल ही कनेक्टेड, एक खाली है, तो अपने आप ही पानी इत्थों दी इत्थे आना स्टार्ट हो जाए, दैट इज क्योंकि उस टाइम पे, क्योंकि इत्थे जब चीज ज्यादा सी, ज्यादा ते लो दे विचकार जिहड़ा कनेक्शन बिल्डअप होया, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। आप कहते हैं ना फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा ते लो दे विचकार जिहड़ा डिफरेंस क्रिएट होया, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दे अगेंस्ट जो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे कि साढ़े इस जगह ते हाई कॉन्सेंट्रेशन है, असी दूसरी जगह ते जाके सेल नू बैलेंस कर देंगे, दैट काइंड ऑफ द मूवमेंट, दैट काइंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब की है, बिना एटीपी खर्चे जो सेल तो मूवमेंट होए हायर रीजन तो लोअर रीजन वल, उन्हों आप कहने पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, पहले आप पैसिव डिस्कस करते हैं, फिर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे। तो बेटे पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर फर्स्ट है डिफ्यूजन, पढ़ांगे आप, ऑस्मोसिस पढ़ांगे आप, एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है बेटे, तो डिफ्यूजन की है, डिफ्यूजन आप लोअर क्लासेस तो पढ़ते आ रहे हैं कि जो कोई मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन एक जगह से ज्यादा है वो दूसरी जगह से मूव होना शुरू हो जान अपने आप ही बिना किसी मेम्ब्रेन की हेल्प दे, जनरलाइज्ड नेचर के अंदर, तो वह डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल मैं इतने खड़ी हाँ, मैंने इतने कोई परफ्यूम स्प्रिंकल किया, स्प्रे किया मैंने अपने उपर, उस परफ्यूम की फ्रेगरेंस इस रूम दे लास्ट कॉर्नर तक थोड़ी देर च ही आनी शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन अपने आप कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस हो जाना। फॉर एग्जाम्पल आप लोअर क्लासेस तो कुछ एवं डायग्राम बनाते सीगे कि आ मेरे को एक ग्लास ऑफ वाटर है, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं ते बिल्कुल लास्ट दे अंदर एक सॉल्ट या शुगर का क्यूब है जेड़ा उन्हों फेंकता, इथे दी कॉन्सेंट्रेशन, इट इज द रीजन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, इट इज द रीजन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो। बिना स्पून हिलाए, जे मैं स्पून हिलाता फिर तो एनर्जी लग गई, फिर तो एटीपी लग गए ना, बिना स्पून हिलाए जिन्ने मर्जी टाइम च, ठीक है, दो घंटे तीन घंटे चार घंटे के अंदर देख आ आयंस मूव अपने आप डिजोल्व होंगे,
ते ए सारे दे अंदर फैल जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन। ठीक है, इंक द ड्रॉप है, मैं पानी दे अंदर छड्या, थोड़ी देर बाद वो सारे पानी नु उन्हें नीला करता या जेडे भी कलर दी इंक सी ओही कलर दा करता, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। मैं तो कुछ नहीं किता ना, वो अपने आप ही डिजोल्व हो गया, दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है, द डिफ्यूजन की अंदर बेटे नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन अनदर बाय द रेंडम मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल, इट्स मॉलिक्यूल, its ions from a region of its higher concentration to the region of its lower concentration, that is known as the diffusion. Simple. ठीक है, कितने सारे अपन छोटे ग्लासेस तो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक मैं वाटर का ग्लास लिया, उसके अंदर मैं ब्लू कलर का कोई भी क्रिस्टल पाता, थोड़ी देर बाद वो डिजोल्व होना शुरू हो गया, उस तो थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल डिजोल्व हो गया, सारे पानी का कलर है जेड़ा वो बैलेंस्ड हो गया। दैट काइंड ऑफ द फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ द आयन इन द एनवायरमेंट कितने भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेल्स के अंदर ही डिफ्यूजन हो रही है, कितने भी हो सकता है। तब जो डिफ्यूजन हायर कौन हाई डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ द आयंस फ्रॉम दिस हायर रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर रीजन इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन। ये कितने भी हो सकती है। ठीक है, हम अपने को आ जाओ बेटे ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस की है, यही दसन लिए मैंने हूं एक वर्ड यूज किया कि नेचर नेचर दे अंदर किते भी होना हायर कॉन्सेंट्रेशन तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाल उन्हों आपा कहने हैं डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस की है जदो यही सेम फिनोमिनन यही सेम डिफ्यूजन वाला फिनोमिनन मूवमेंट ऑफ द आयन मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन बट across the semi-permeable membrane। ठीक है, दो cells ने इन दोनों के अंदर ए membrane है ए partition, एक cell के अंदर किसी molecule की concentration बहुत ज्यादा है, दूसरे cell के अंदर कट है, molecules membrane दे across बिना किसी force तो अपने आप membrane उन्होंने allow कर दे कि चलो जी अपने आप जाओ बिना एक्सपेंस ऑफ एटीपी तो, दिस काइंड ऑफ द मूवमेंट इन द लिविंग सेल्स इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ठीक है, डिफ्यूजन में क्या सी कितने भी हो सकते हैं, सेल्स भी हो सकते हैं नेचर भी, बट ऑस्मोसिस थ्रू द लिविंग मेम्ब्रेन, जो लिविंग मेम्ब्रेन के थ्रू जो एक्सचेंज मतलब जो मूवमेंट हुई दैट इज ऑस्मोसिस। ठीक है, द ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट और डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू ए सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन बट बाय द हेल्प ऑफ ए बायोलॉजिकल सिस्टम बाय द हेल्प ऑफ ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुसी लोअर क्लासेस च पढ़ते होंगे ना आइसोटोनिक सोल्यूशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि अपा ये भी कह सकते कि वॉटर है जेड़ा वो जिस जगह ते ओदी कॉन्सेंट्रेशन मान एवं भी हो सकता है इधर वॉटर ज्यादा है इधर आयन्स ज्यादा ने ता वॉटर इस जगह तो आयन्स नू बैलेंस करन लई इधर आ जाए वो भी की है ऑस्मोसिस है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तीन तरह की है, अपन लोअर क्लासेस तो पढ़ते आए हैं हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हाइपो आइसोटोनिक तीन तरह के सोल्यूशन ने आइसोटोनिक यो सोल्यूशन है बेटे जिथे आ मान लो सोल्यूशन है आ कोई सेल है दोनों सेल दे अंदर साइटोप्लाज्म च भी पर्टिकुलर मान लो ए वाटर है बाहर ते अंदर साइटोप्लाज्म है दोनों दी कॉन्सेंट्रेशन सेम है आयन सी ना ता कोई आयन दे अंदर जाऊगा ना ही कोई आयन बाहर आऊगा नो मूवमेंट ऑफ द आयन इस तरह दे सोल्यूशन नु आपा कहने हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की हुंदा बेटे हाइपोटोनिक सोल्यूशन हाइपोटोनिक जदो सेल दे आ सेल है आ वाटर है। ठीक है, सेल दे अंदर आयन्स दी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बाहर घट है तो वाटर अंदर जाना शुरू हो जाता है सेल स्वेल हो जाता है
एंड फाइनली सेल है जिहड़ा ओ बर्स्ट भी हो सकता है, दैट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक, पता नहीं तुसी 6th 7th क्लासेस च करदे होंगे कि आपां एक आरबीसी नूं या किसी भी लिविंग सेल नूं हाइपरटोनिक, जिथे सॉल्ट दी कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है। ठीक है, हुन की होगा, वी हैव इज अंदर जा, दिस विल बी हाइपरटोनिक, हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, इहदे अंदर सेल है जिहड़ा ओ श्रिंक हो जाता है। ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन दे अंदर, क्लियर, तो दिस इज हाइपो आइसो एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तीन तरह के सोल्यूशंस ने, एक दे अंदर कोई फर्क नहीं पिया, दूसरे दे अंदर अंदर जाना शुरू हो गया क्योंकि अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा सी। हुन इत्थे की है, बाहर सॉल्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर घट है, तो पानी बाहरों दी अंदरों दी बाहर आना शुरू हो गया, इत्थे सेल की हो जूगा, सेल श्रिंक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो तुहानू लोअर क्लासेस च पढ़ाया गया होना है किशमिश दे नाल, आपां कहने कि आपां किशमिश नूं पानी च रखिया तो स्वेल हो जाती है। ठीक है, स्वेल होना मतलब उहदे च एंडोसमोसिस होगी, पानी अंदर चला गया। हुण उस तो बाद एक्सोसमोसिस की, जदों आपां ग्रेप्स तो किशमिश बनाने हैं तो श्रिंक हो जाता है ना, तो दैट इज हाइपरटोनिक काइंड ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, दिस इज टू अंडरस्टैंड ईजीली द केस ऑफ द ऑस्मोसिस। ठीक है, हुण आ जाओ बेटे, वी हैव इज द प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस, इहदे नाल ही ऑस्मोसिस दे नाल ही है बट एक सेपरेट काइंड ऑफ द आर्टिकल है। प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस की होंगे बेटे, प्लाज्मोलाइसिस होंगे जो भी, देखो हूं मैं इतने थोड़ा क्या, सेल श्रिंक हो गया, सेल श्रिंक हो गया, प्लाज्मोलाइसिस होंगे बेटे जो किसी सेल चो वाटर बाहर आया तो सब तो पहला साइटोप्लाज्म है ना जो छोटा होना शुरू हो जाता है, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म का श्रिंक हो जाना प्लाज्मोलाइसिस, छोटा होना सेल का, दिस इज इन द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, क्लियर, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, और डी प्लाज्मोलाइसिस की होंगे जो आप उस श्रिंक्ड सेल को दोबारा पानी के अंदर रखांगे तो फिर तो स्वेल कर जे, यानी कि मैं ग्रेप्स तो किशमिश बनाई, हुन मैं उस किशमिश नूं वापस पानी च रखदा तो स्वेल कर जूगी, पहला वह मोटा सीगा, मोटे तो पतला होया, फिर दोबारा स्वेल कर जाना, दैट इज डी प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस की होंगे बेटे, अपने कोल की होंगे प्लाज्मोलाइसिस, जो भी किसी आप सेल नू कुछ इस तरह के सोल्यूशन के अंदर रखते हैं तो वह साइटोप्लाज्म है जिहड़ा ਉਹ ਸਕੁਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾਈਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਾਟਰਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੈਸਿਡ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਵੈਲ ਕਰ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੀ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾਈਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਡੀ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾਈਸਿਸ। ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, ਫਿਰ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਿਡ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਿਡ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਯੋਰ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ,